नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे डीजल और पेट्रोल के बारे में। तो डीजल और पेट्रोल में हम ये बात करेंगे कि कहाँ से आपको डीजल या पेट्रोल बनाना चाहिए। मैं तो अब क्या है कि मैं कहीं से रेगुलरली CBG एक्सट्रीम में पेट्रोल बना रहा था और मुझे ये पता था क्वालिटी ऑफ फ्यूल उस पेट्रोल पम्प की अच्छी नहीं थी। वो पता लग जाता है जनरली कैसे कि आपको एक अलग तरह की उसमें स्मेल आएगी, केरोसिन की तरह से स्मेल आएगी। एक नेप्था जो ऐसा होता है कि मिक्स कुछ किया हुआ है उसकी तरह की आपको स्मेल आएगी उसमें पेट्रोल पंप से। तो वहाँ ये चीज़ मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व करी। पता था मुझे कि ये चीज़ गलत हो रही है, मैं गलत कर रहा हूँ, बट ये जो मेरा ऑफिस टाइमिंग होता था मुझे इतना समय नहीं रहता था कि मैं एक अच्छे पेट्रोल पंप से बनाऊँ, क्योंकि जो अच्छा पेट्रोल पंप है वो दूर है जहाँ मैं अभी जाने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वहाँ जो है मुझे टाइम लगता था अब वो ट्रैवल करने में इतना। तो मैंने सोचा कि मैं रेगुलरली एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता बढ़ाते गया और जिसके कारण क्या हुआ कि एक दिन मेरी गाड़ी जो है जो मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट ही नहीं हुई। स्टार्ट क्यों नहीं हुई उसके रीज़न बताता हूँ कि मैंने उसको सेल्फ स्टार्ट भी मारा, किक भी मारा, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जो गाड़ी का जो कंप्रेशन था पूरा ही लॉस्ट हो गया था, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब किसी तरह से मैंने क्या किया, फिर मुझे पता लगा कि जो प्रॉब्लम है वो स्टिकी वाल्व्स की प्रॉब्लम है। स्टिकी वाल्व्स मतलब जब वाल्व जो होते हैं चिपक जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि कंप्रेशन बनता नहीं और जो आपकी गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होती। तो उसे आपको क्या करना पता है, स्पार्क प्लग आप वहाँ पे खोलो और वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ इंजन ऑयल डालो जिसके कारण क्या आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ओह यस, वो गाड़ी स्टार्ट होगी। अभी इसका मेन रीज़न क्या होता है कि जब आप डीजल पेट्रोल या पेट्रोल आप बढ़ाते गलत गंदे या पेट्रोल पंप से या बुरे कोई भी जहाँ पे आपको लगता है कि वो पेट्रोल गलत है या डीजल गलत है, तो क्या होता है कि आपके जो एक तो स्टिकी वाल्व हो जाते हैं और दूसरा क्या होता है वाल्व में क्या होता है एक तरह की वार्निश क्रिएट हो जाती है जिसके कारण जो आपके जो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। नाउ इट्स कम्स टू डीजल। अब मैं डीजल के बारे में कहूँगा, डीजल अगर आप अच्छी क्वालिटी का नहीं बढ़ाते तो क्या होता है आपके इंजेक्टर्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इंजेक्टर्स में प्रॉब्लम आती है, आपके फ्यूल फिल्टर जो होता है वो चोक होने के चांसेस हो जाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो इंजेक्टर्स है बहुत इंजेक्टर्स बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, आप उनको दोबारा रीबिल्ड करना होता है, सफाई करनी पड़ती है। यहाँ तक कि आपका क्या होता है कभी कभी सीज भी हो जाते हैं इंजन। वो कैसे हो जाते हैं, जब आपके इंजेक्टर ख़राब हो जाते हैं तो वो स्प्रे की जगह फ्लो करने लग जाते हैं। जब वो फ्लो करने लग जाते हैं तब क्या होता है कि जो लिक्विड है वो कंप्रेस तो होता नहीं, जब वो कंप्रेस नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो आपकी कनेक्टिंग रोड है वो बेंड हो जाती है और जिसके कारण आपकी गाड़ी में डैमेज हो जाता है। मैं बोलता हूँ डीजल के लिए ना, डीजल के लिए स्पेशली डीजल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप एक अच्छे पेट्रोल पंप से भराएं। वो क्यों, क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूँ इंजेक्टर्स की प्रॉब्लम आ जाती है और साथ में साथ क्या होता है आपका जो फ्यूल फिल्टर है सबके अलग अलग शेड्यूल होते हैं। जनरली क्या है, मैं कोको से भराता हूँ, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड से, तो वहाँ पे क्या होता है उनकी डेंसिटी भी अच्छी रहती है एंड क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज़ वेरी गुड। अब जहाँ पे मैं जा रहा हूँ इंडियन ऑयल का स्वागत है, स्वागत क्या है मोस्टली आपको क्या दिखेगा कि वो हाईवे पे रहते हैं एंड एक चीज़ और, वहाँ पे आपको मोस्टली ट्रकर्स दिख जाएंगे। इन केस अगर आपको जानना कि आपको पता नहीं लग रहा कि कहाँ से आपको पता है हाईवे में आप ज़्यादा मोस्टली ट्रैवल करते हैं तो आप सबसे पहले ट्रक्स को ज़्यादा फॉलो करिए, क्योंकि ट्रक्स वाले जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने फ्यूल के, डीजल फ्यूल के रिलेटेड, क्योंकि उन्हें फ्यूल एफिशिएंसी भी देखनी होती है, पावर भी देखनी होती है, वो ओवरलोडेड होकर चलते हैं मोस्टली। तो देखिए कोई ऐसा पेट्रोल पंप जहाँ पे मोस्टली जो ट्रक है वहाँ से रिफ्यूल करते हैं, तो वहाँ है ये चीज़ है। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे रिफिल करवा रहा हूँ। तो अब क्या होता है फ्यूल फिल्टर के बारे में, फ्यूल फिल्टर भी बहुत बार चोक हो जाते हैं। अब जनरली क्या होता है फ्यूल फिल्टर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मारुति क्या करवाता है, मारुति 20,000 किलोमीटर में अपना फ्यूल फिल्टर चेंज करवाता है, और जो हुंडई है हुंडई ने मेरे हिसाब से 10,000 किलोमीटर में ही चेंज करवाना स्टार्ट कर दिया। बट द कॉस्टिंग ऑफ मारुति की जो है वो मेरे हिसाब से 1300 में एग्जैक्ट नहीं कह सकता, पर उनकी कॉस्टिंग जो है इन कंपैरिजन टू एयर फिल्टर या ऑयल फिल्टर उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो कोशिश यही रहती है कि अगर आप रेगुलरली देखिए क्या होता है, मेरा जो रूल है, जो मेरा रूल है अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, अगर मैं कोको से भरा रहा हूँ या स्वागत जो हो गया कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड से, तो मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि मैं 20,000 किलोमीटर में ही जो अपना फ्यूल फिल्टर है वो वहाँ पर चेंज करूँ। बट इन केस अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि रेगुलरली मैं एक हफ्ते बाहर हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ, मैं 10,000 किलोमीटर में ही आपके जो है फ्यूल फिल्टर वहाँ पे चेंज करता हूँ। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आप
रेगुलरली किसी अच्छे पेट्रोल पंप से बढ़ाए तो आप उसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इन केस अगर आप रेगुलरली किसी गंदी जगह से या पेट्रोल पंप से आप फ्यूल भरा रहे हैं, अरे तो कहीं ना कहीं आपको जो है फ्यूल फिल्टर वहाँ पर रेगुलरली मतलब 10,000 किलोमीटर के अंदर ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। तो अभी हम जा रहे हैं कोको, आप देखेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ इनके पास एक क्वालिटी ऑफ फ्यूल वहाँ अच्छी मिल जाती है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे मिली कि कोको में मुझे फ्यूल इफिशियंसी बहुत अच्छी मिली है, ठीक है। तो उनकी इन कंपैरिजन टू मैं अगर वहाँ बात करूँ तो वहाँ पे मुझे जो है और पेट्रोल पंप से जो यहाँ की जो डीजल की जो है फ्यूल इफिशियंसी या वाइब्रेशन जो आप कहना चाहते हैं विच इज़ गुड, वाइब्रेशन इतना नहीं मिलता है और फ्यूल इफिशियंसी भी मुझे काफ़ी अच्छी मिलती है। और जनरली क्या होता है, मैं जब मुझे हाईवे होता है तो हाईवे में मोस्टली क्रूज जो करता हूँ मैं अप्रॉक्सीमेट 100 की स्पीड। अब तो हाईवे बहुत अच्छे बन रहे, अगर आप 90-80 में तब तो भी आपको जो स्विफ्ट है बहुत अच्छा गाड़ी एवरेज दे देती है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये कोको है इंडियन ऑयल का। कोशिश करें कि जब भी आप डीजल भराएं या पेट्रोल भराएं तो एक बार बाहर जाके चलो चेक करें कि करके आ रहे हैं लोग, ठीक है। मैं तो हमेशा जनरली जाके चेक करता हूँ। तो अभी जो है ये डीजल भरा, कट ऑफ मार देना नॉर्मल है, नॉर्मल डालना। डीजल है ना, फ्यूल सेविंग है सर। ना ना ना, वो नॉर्मल ही डालना, ये तो बी एस सिक्स का होगा ना, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट 89 का है, ठीक है। दूसरा जो है वो एक्स्ट्रा गेन है ना, एक्स्ट्रा ग्रीन है, तो उसमें कितना आ रहा है 93। अच्छा 6% फ्यूल सेविंग है सर, 6% है। नहीं वो सर बातें दोनों ही पड़ जाती है, गाड़ी मेंटेनेंस कम आता है बस। तो ठीक है, बट जो कॉस्टिंग ज़्यादा है ना उसकी 93 है। कॉस्टिंग से मतलब ना है सर, एवरेज दो सेम आ जाएगी लगभग और गाड़ी मेंटेनेंस खर्चा कम आएगा बस। देखिए किसी दिन बढ़ाएंगे तब देखते हैं, अभी तो अप्रॉक्सीमेट अभी कितना अच्छा 3,000। ओके अच्छा, ओके थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डीजल भरा लिया है, ठीक है। तो हवा भी भरा देते हैं यार, मैंने एक चीज़ पहले ना मैं डीजल भराया था फिर हवा, क्योंकि टाइम तो लगेगा। अब देखिए वो मुझे कह रहा था कि जो है दूसरा वाला आप डीजल भरा दीजिए, क्योंकि वो है अप्रॉक्सीमेट जो ग्रीन बोलते हैं लोग, ग्रीन एक्सप्रेस। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगा किसी चीज़ में भी, ठीक है। इन केस कॉस्टिंग के हिसाब से अगर आप रेगुलरली आप फ्यूल फिल्टर चेंज करते हैं और आपकी गाड़ी सर्विस होती रहती है, बहुत नेसेसरी नहीं है। 6% इंक्रीमेंट ठीक है, जो ये कहना चाहते हैं मैं एक चीज़ ही कहूँगा कि 6 के बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। जो लोग डलाना चाहते हैं वो डलाएं, पर मुझे जो है इसी डीजल नॉर्मल डीजल में ही काफ़ी अच्छा जो एवरेज मिल जाता है, ठीक है। और टायर का पैसा सही रखें अपने गाड़ी का, रेगुलरली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करें और रोटेशन करते रहें, ठीक है। व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट करते रहें साथ में साथ, ठीक है। और ये चीज़ें आपको ही कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगी। मुझे तो पहले 19 का एवरेज मिलता था, आज मेरे 21.4 का एवरेज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने टायर भी नए डलवाए हैं, साथ में सर्विसिंग भी गाड़ी की होती रहती है रेगुलरली, और साथ ही साथ क्या है मेरा जो एक शेड्यूल मतलब जो चीज़ें मैं चेंज करते रहता हूँ मैं उसको रिकॉर्ड में रखता हूँ कि क्या चेंज हुए थे। और बात करूँ इन केस अगर आपको कुछ ऐसे देखिए, क्या होता है कि एक होती है कि गाड़ी की रिक्वायरमेंट है कि 60,000 पे कोई चीज़ चेंज होनी है, ठीक है। तो उसे 60,000 किलोमीटर पे चेंज करवा लीजिए, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, ठीक है। आप कोको ऊपर देख रहे हैं, कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड पंप है। तो यहाँ पे क्या होता है इंडियन ऑयल का जो ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पे बैठे रहते हैं, और आप यहाँ पे जाके डेंसिटी भी चेक कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ फ्यूल भी चेक कर सकते हैं। लिटमस पेपर के थ्रू इनके जो टेस्टिंग होती है वो भी आप जाके चेक यहाँ पे कर सकते हैं, और 5 लीटर का जो यहाँ पे कैन है वो भी यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे आपको सब मिल जाता है। और अभी जो मैं पैसा रख रहा हूँ वो हम लोग 4 लोग जाएंगे तो 35 PSI का यहाँ पे मैं पैसा रखता हूँ, 33 भी आप रख सकते हैं पर 35 ठीक है। कोल्ड पैसा जो आपका होना चाहिए वो 33 या 35 इसके बीच में आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप पे लोड ज़्यादा है तो आप मोस्टली 35 ही रखें।
तो इसी के साथ में जो है मैं अपनी वीडियो क्लोज करता हूँ और गाड़ी स्विच ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इनको पता नहीं आगे वालों को कितना टाइम लगेगा। तो इनकेस अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया या कुछ ऐसा आपको लगता है कि कॉन्ट्राडिक्ट करता, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, और आप सबसे ये ड्राइव सेफली एंड बी हेल्दी। थैंक यू वेरी।